चूप बन के तैयार हो गया है। कोई लड्डू और काम्या पकड़ी ने ली ना भरियो यो क्या चूक हो गई यो ये देखिए इतना चूक बड़ा वाली पड़ी वाली परात में बना रखा है ये पकड़ा पकड़ पकड़ चल डल डड़ी गई वाह के नहीं ना वाले ये डाल दिया कटोरी में ये हालला कटोरा में खा यूज कर के कटोरी में चूक मत डालना ज्यादा डालते सब लोग तो चूक जितना चूक था ना उतना ही उतने ही लोग भी हैं खाने वाले ये भाजी भी आ गई कल आ गया कमल बुआ ये इतना चिल्लर बाटी चिल्लर लोगों की हो रही है चूक खट्टा मीठा खट्टा मीठा ना चलो कुछ खाओ ये मेरे लिए है ये कहरी थी चूक गजब होती पड़ जाए एकदम मस्त नवल वाह टेस्टी खट्टा मीठा मजा आ गया। चूक खाने के बाद ना पानी पीना चाहिए खूब क्योंकि चूक खाने के बाद ना पानी पीते ना खून बढ़ता है बोलते हैं ऐसा बोलते हैं मैंने सुन रखा है। अभी जा रही हूँ मैं दीदी के यहाँ चाय पीने के लिए और दीदी के लिए ले जा रही हूँ मट्ठा। ये रहा मट्ठा ताजा ताजा मट्ठा तो मेरे को नहीं दिया बोलेगी फिर बाद में तो मिल बांट के खाना पड़ता है ना कुछ आया तो घर से उनके उसके घर से भी कुछ आता है तो हमको भी देती है वो तो थोड़ा सा भाभी को दूंगी और थोड़ा सा बुआ को। अब धूप भी छिपने वाली है देखिए धूप की गिर रहे और ये बुआ का घर बन रहा है ऊपर ये दो मंजिला है ये तो चढ़ाई तो कंप्लीट हो गई अब छत पड़ने वाले तो चार दिन बाद क्यों डांस करोगे ये लड्डू और काम्या अरे टाइल्स में फिसल लियो खड़े हो चलो हम शाम की चाय पी रहे हैं। दीदी के यहाँ आई थी मैं मट्ठा देने के लिए तो उसने चाय बनाई वाली चाय तो चाय पी रहे हैं भी धूप भी छिप गई गुड़ वाली चाय बना रखी है बढ़िया सी ये आमा यहाँ पर बैठे हैं आमा भी चाय पी रहे हैं ये मैं हूँ ये दोस्तों ये क्या कर रही हो तुम लोग ऐसे ये देखिए इन दोनों की दोनों भाइयों की लड़ाई हो रही है ये बाप रे ये लड़ो मत रे ये सच में मत लड़ रहे हो तुम नहीं तो खाली प्रैक्टिस करें अच्छा कुछ हो यही यहाँ पर आ गई मम्मी उनको रोकते हुए दोस्तों चाय भाई तो पी रही हम लोग ने अब बना रही हूँ चाउमीन क्योंकि आज संडे भी है संडे के दिन ठंडे बना रहे हैं हम लोग। अब इसमें आता है नहीं आता है पूरा डाल दिया आपने वाओ मम्मा वाओ। रात हो गई है दिया बाती कर लिया मैंने आज बच्चे भी यही हैं कब से बोल रही थी बुआ चाउमीन खानी है मैं चाउमीन का पूरा पैकेट लेके आई थी तो मैंने कहा चलो आज संडे भी है चाउमीन बना लेते हैं अभी इसमें रखा हुआ है मैंने ये चाउमीन पानी गर्म किया उसके बाद निकाल रखा है। ये भाभी ने सब्जियाँ काट दी गाजर शिमला मिर्च और कह रही और फूल गोभी बंद गोभी ये देखिए ऐसी हो रही है चाउमीन पक रही है बर्तन छोटा हो गया क्योंकि पूरा पैकेट था ना चाउमीन का तो बर्तन छोटा चाउमीन ज़्यादा हो गई वैसे लगभग पक ही गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और ठंडे पानी से धो लेती हूँ इसको तो मैं इसको अब ठंडे पानी से
अब मैं इसको ठंडे पानी से धो लूँगी। पहले इसमें डाल दूँगी मैं छन्नी वाला परात है मेरे पास, तो सारा मैंने इसमें डाल दिया। तो इसमें रिफाइंड लगा देती हूँ मैं, क्योंकि ये पूरा नहीं तो एक चिपक जाएगा पूरा। थोड़ा रिफाइंड लगा दूँगी पूरे में। मसाला तैयार कर लेती हूँ मैं एक बार, बढ़िया सा मसाला बन गया। थोड़ा सा मैगी मसाला डालूंगी मैं इसमें। तो हमारे पास सोया सॉस भी नहीं है और विनेगर भी नहीं है, तो ऐसे बना रही हूँ। ये दोस्तों चाउमीन बनके तैयार हो गई है, पहले बच्चों को दे देते हैं। खाओ, कैसा हो रहा है बच्चों चाउमीन? अच्छा अच्छा, टेस्टी, एक्सीलेंट। चलो फिर खाओ खाओ। कमल, अच्छी रही है? अच्छी रही है। हाँ कमल ने तो खा दी, अब बच्चे हैं ये। चलो फिर खाओ। हाँ काम्या, खा रहे हम चाउमीन। ये तो एक पैकेट था, एक पैकेट में से सब इतने सारे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए हो गया, सबने खा लिया। दो पैकेट होते तो फिर बर्तन भी नहीं था उतना बड़ा कि दो पैकेट का हम बना सके बेटा। फिर वो भी करते चैलेंज। चौमिन ओमिन खा ली हम लोगों ने, चले गए भाभी लोग भी और बच्चे भी चले गए, दीदी लोग भी चले गए ऊपर। दोस्तों एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, तनिका ना ड्राइंग कर रही है, बड़ी अच्छी ड्राइंग करी है इसने आज। ये दिखा दो निका क्या कर रही। दोस्तों क्या बना रही है दिखा दो। ए बाप रे, क्या बना दिया भैया इसने? काम्या की ड्राइंग। काम्या की ड्राइंग, ये काम्या लग रही है तो। ये देखिए दोस्तों, इसने तनिका की काम्या की ड्राइंग बनाई है। ये काम्या है बोल लिए, देखिए कौन से एंगल से लग रही होगी ये काम्या है। ये दिखा रहे। अब देखिए सेम तो दिख रहे दोनों। क्यों दिख रहे हैं सेम टू? बस ये अच्छी बना रखी है, इतनी बुरी भी नहीं है। तो ये तनिका की है ड्राइंग। तो अगर आपको अच्छा लगा तो एंड लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना। देखो मेरे हाथ कैसे बना रखे हैं हाथ। दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, मेरे पसंद आ रहे, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके भी जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना ना, देखते हो ब्लॉग बिना सब्सक्राइब बिना लाइक करे जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, हो सके तो शेयर भी कर देना। तो आपसे मिलती हूँ मैं जल्द ही एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।